नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज हम जानेंगे चंद्रचूड़ सिंह की सभी फिल्मों की लिस्ट। दोस्तों चंद्रचूड़ सिंह ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत तो साल 1991 में आई फिल्म जब प्यार किया तो डरना क्या से की थी। दोस्तों यह फिल्म किसी कारण रिलीज नहीं हो पाई, जिस वजह से इसकी डेब्यू फिल्म रही तेरे मेरे सपने, जो कि 1996 को पर्दे पे आई थी। फिल्म का बजट था 3 करोड़ का और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 13 करोड़ 17 लाख की। और दोस्तों इसकी पहली मूवी ही बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। दोस्तों इसी साल इसकी दूसरी फिल्म आई थी माचिस और फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और इसने कमाई की थी 6 करोड़ 38 लाख की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 1997 में इसकी नेक्स्ट फिल्म आई थी बेताबी और बजट था फिल्म का 3 करोड़ 25 लाख का और इसने कमाई की थी 4 करोड़ 96 लाख की और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। 1998 में इसकी फिल्म आती है शाम घनश्याम और यह फिल्म का बजट था 2 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की थी 3 करोड़ 27 लाख की और दोस्तों यह फ्लॉप हुई थी। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म आई थी इसकी 1999 में दिल क्या करे और इस फिल्म का बजट था 9 करोड़ का और इसने कमाई की थी दुनिया भर में 19 करोड़ 69 लाख की और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। इसी साल फिल्म आई दाग द फायर और इस फिल्म का बजट था 6 करोड़ 75 लाख। वही दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की 20 करोड़ 29 लाख की और इसी के साथ यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट करार दी गई। इसी साल नेक्स्ट फिल्म आई थी सिलसिला है प्यार का और इस फिल्म का बजट था 5 करोड़ 75 लाख का और इसने कमाई की 7 करोड़ 19 लाख और दोस्तों यह फ्लॉप रही। साल 2000 में इसकी फिल्म आई थी जोश और वही इस फिल्म का बजट था 16 करोड़ और इस फिल्म ने कलेक्शन की वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ 7 लाख और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही। इसी साल इसकी नेक्स्ट मूवी आई थी क्या कहना और दोस्तों इस फिल्म का बजट था मात्र 4 करोड़ का और वही दोस्तों इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी 20 करोड़ 17 लाख की, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। नेक्स्ट मूवी आई थी साल 2001 में आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और फिल्म का बजट था 5 करोड़ और इसने कमाई की 10 करोड़ 54 लाख की और यह बिलो एवरेज रही। 2002 में इसकी फिल्म आई जुनून और इस फिल्म की बजट कलेक्शन और वर्डिक्ट की डाटा हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसी साल इसकी फिल्म आई भारत भाग्य विधाता और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ 75 लाख का और इस फिल्म ने कमाई की मात्र 1 करोड़ 52 लाख, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। नेक्स्ट फिल्म आई थी 2006 में सरहद पार और इस फिल्म का बजट था 13 करोड़ का और इस फिल्म ने कमाई की थी मात्र 96 लाख की और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसके बाद साल 2009 में फिल्म आई मारुति मेरा दोस्त और इसका बजट था 2 करोड़ 75 लाख और इसने कमाई की मात्र 40 लाख और इसी के साथ यह बुरी तरह डिजास्टर रही। साल 2011 में चंद्रचूड़ सिंह की एक ओडिया फिल्म आई थी केमिति ए बंधना और दोस्तों यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। साल 2012 में फिल्म आई थी 4 दिन की चांदनी और दोस्तों वही इस फिल्म का बजट था 12 करोड़ और इसने कलेक्शन की मात्र 6 करोड़ 62 लाख, जिस वजह से यह बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसी साल फिल्म आती है प्रेम माई और इस फिल्म का बजट था 2 करोड़ का और इसने कमाई की थी मात्र 9,25,000 की, जिस वजह से यह भी डिजास्टर रहती है। 2013 में इसकी फिल्म आई थी जिला गाजियाबाद और इस फिल्म का बजट था 36 करोड़ का और इसने कलेक्शन की 22 करोड़ 26 लाख और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसी साल इसकी फिल्म आती है द रिलेक्टेंट फंडामेंटलिस्ट और दोस्तों यह एक इंग्लिश फिल्म थी। नेक्स्ट मूवी इसकी आई थी साल 2015 में चल गुरु हो जा शुरू और दोस्तों इसने कमाई की थी 8,25,000 की और दोस्तों यह डिजास्टर रही थी। इसी साल इसकी फिल्म आती है चूड़ा। इसके बाद 2017 में इसकी फिल्म आई आ गया हीरो और इस फिल्म का बजट था 8 करोड़ 50 लाख और इसने कमाई की मात्र 1 करोड़ 39 लाख, जिस वजह से यह डिजास्टर रही। इसी साल फिल्म आई प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स और दोस्तों इसने कमाई की मात्र 2,90,000 की और यह भी डिजास्टर थी। इसी साल इसकी फिल्म आई थी यादवी। नेक्स्ट मूवी आई थी साल 2022 में इसकी कठपुतली और दोस्तों इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज ना करके OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉट
हॉटस्टार पे रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यह था चंद्रचूर सिंह का अब तक का फिल्मी सफर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दे ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस ना कर सके। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खत्म, बाय बाय, टाटा।